गेट से एंट्री मारेंगे और ये सामने दिख रहा है बौद्ध स्तूपा। आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल LcTravelers में। हमारा बौद्ध स्तूपा फॉलो मी स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल LcTravelers में। मैं हूं नोबिता। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्धनाथ काठमांडू के पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप तथा तीर्थस्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। 1979 से यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। स्वयंभू के साथ यह काठमांडू क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। आसपास में इस तरह का छोटा सा मार्केट है, एंटीक सारा सामान मिलेगा और यहाँ पे कुछ होटल टाइप भी आएगा, आपको रहना है स्टे करने का हिसाब से। बहुत बड़ा जगह है, कैमरे के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा है, काफी बड़ा है। स्तूप 36 मीटर ऊंचा है और कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस स्तूप के बारे में माना जाता है कि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए पानी न मिलने के कारण उसकी बूंदों से इसका निर्माण किया गया। बुद्धनाथ पंथ के अनुयायी होने के कारण इस स्थल का नाम बौद्धनाथ रखा गया, जो कि अब बौद्ध धर्म का माना जाता है। गोपाल राजवावली का कहना है कि बौद्धनाथ की स्थापना नेपाली लिच्छवी राजा शिवदेव ईस्वी 590 से 604 द्वारा की गई थी। ऐसे यहाँ पे गेट है छोटा सा, ऐसे अंदर जाना। हालांकि अन्य नेपाली क्रॉनिकल्स ने इसे राजा मानदेव ईस्वी 464 से 505 के शासनकाल के लिए निर्धारित करते हैं। तिब्बती सूत्रों का दावा है कि 15वीं सदी के अंत या 16वीं सदी की शुरुआत में स्थल पर एक टीले की खुदाई की गई थी और वहां राजा अश्ववर्मा ईस्वी 605 से 621 की हड्डियों की खोज की गई थी। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने बौद्धनाथ स्तूप को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसका शिखर गंभीर रूप से टूट गया था। नतीजन गुंबद के ऊपर की पूरी संरचना और इसमें मौजूद धार्मिक अवशेष को हटाना पड़ा, जो अक्टूबर 2015 के अंत तक पूरा हो गया। पुनर्निर्माण कार्य 3 नवंबर 2015 को स्तूप के लिए गुंबद के शीर्ष पर एक नए केंद्रीय ध्रुव या जीवन वृक्ष का निर्माण एक अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। स्तूप को 22 नवंबर 2016 को फिर से खोला गया। नवीनीकरण और पुनर्निर्माण बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति BADC द्वारा कराया गया था। मरम्मत को पूरी तरह से बौद्ध समूहों और स्वयंसेवकों के निजी दान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। BADC के अनुसार इस कार्य में $2.1 मिलियन और 30 किलोग्राम से अधिक स्वर्ण का उपयोग हुआ था। मरम्मत की गई इमारत का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल द्वारा किया गया था। हालांकि नेपाली सरकार की भूकंप से क्षतिग्रस्त धरोहरों जैसे मंदिरों के पुनर्निर्माण में धीमी गति के लिए आलोचना की गई। इनमें से कई इमारतों को तो छुआ भी नहीं गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी चैनल LcTravelers को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।
इसके बाद यहाँ पे छोटी सी गली है, गली में से अंदर जाओगे यहाँ पे एक मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चेरी नहीं है, बच्ची है, बच्ची से बच्चा ना।